ठीक है, उनकी मुलाकात होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका परिणाम निकले। कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। धन्यवाद। सर, मेरा नाम प्रदीप सिंह है और मैं जिला सिरमौर से दूर दराज क्षेत्र शिलाई से आया। कल मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, कब जैसे मिले हैं? कल हम सुबह 10 बजे सेक्रेटरिएट में बैठे थे, बाहर बैठे थे, और उसके बाद हम अंदर हॉल में चले गए थे सेक्रेटरिएट के, और उसके बाद जो है हमें बोला जा रहा था कि सीएम साहब थोड़ी देर में आने वाले हैं, लेकिन सीएम साहब जो है रात के 10 बजे तक नहीं आए। और बाद में हमें बोला गया कि 10-12 बंदे जो है ओक ओवर जो है मिलने आ गए। उसके बाद 10-12 बंदे जो है यहाँ मिलने आते हैं उनसे, और उन्हें आश्वासन मिलता है, बताया जाता है कि हमारे कुछ मंत्री जो हैं आपके रिजल्ट में अड़िंगा डाल रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि उन मंत्रियों में हमारे ट्राइबल मिनिस्टर श्री जगत सिंह नेगी जी, हमारे सोलन से जो मंत्री हैं धनीराम शांडिल जी, और तीसरे मंत्री हैं चंद्र कुमार जी, तीन मंत्रियों ने जो है मना कर दिया कि आपके अपोज किया, हमारी कैबिनेट में जो फाइल गई थी उसको अपोज किया। तो हम पूछना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जो तीन मंत्री हैं क्या वो मुख्यमंत्री जी से ऊपर है, या आपकी बात को क्यों अनसुना कर रहे हो? दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने बोली कि कुछ अधिकारी भी जो है इसमें अड़िंगा डाल रहे हैं। अधिकारी क्या मुख्यमंत्री जी से ऊपर है क्या, या अधिकारियों को इतना हक किसने दे दिया कि वो हमारे रिजल्ट में अड़िंगा डाल रहे हैं? बड़ी मुश्किल से हमारा जो ये मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके जो है सॉल्व हुआ है। उसके बावजूद जब सॉल्व हो गया है, सरकार में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कई बार घोषणा की है, बड़े बड़े मंचों से घोषणा की है कि आपका रिजल्ट जो है हम दे रहे हैं। अभी हाल ही में 1 वर्ष का जो है उनका आयोजन हुआ था धर्मशाला में हाल ही में, उसमें मुख्यमंत्री महोदय जी ने भरी सभा में ये घोषणा की कि आपका रिजल्ट जो है 1 महीने के अंदर अंदर जो है हम दे रहे हैं। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, आज जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो है 3 महीने होने वाले, कुछ दिन बचे मात्र। तो आखिर क्या सर्वोच्च न्यायालय से जो भी जो है उनकी बात को भी जो है अनसुना किया जा रहा है, हाई कोर्ट की बात को भी अनसुना किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हिमाचल प्रदेश में क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या नहीं बचा है लोकतंत्र हिमाचल प्रदेश में? आज देख लो आप कितने बच्चे यहाँ सड़कों पे बैठे। कल रात को हम 10-11 बजे के आसपास जो है सेक्रेटरिएट से निकले हैं, और आज फिर सुबह यहाँ पे आ गए हैं। अभी भी हमारे कुछ बंदे, हमारे साथी जो है अंदर मुख्यमंत्री जी से मिलने गए हैं, अभी उन्होंने फिर दोबारा बुलाया है, आज देखते हैं उसके बाद क्या आश्वासन मिलता है। और आज के बाद जो है ये हमारी अंतिम यात्रा है आज यहाँ। हम कोई भी जो है इतना, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है हमारे पास कि घर से मांग मांग के हम जो है शिमला आए। सभी बेरोजगार साथी हमारे आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इसका मुख्य कारण जो है हमारी सरकार ही है, जो सरकार जो है हमें रोजगार नहीं दे पा रही है। कल क्या सीएम से मुलाकात हुई थी? हाँ, कल सीएम साहब से मुलाकात हुई थी, 10-12 लोग मिले थे मात्र। क्या कहा सीएम साहब ने? यही कहा कि जो है 2-3 मंत्री जो है वो आपके, सीएम साहब ने मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि 2-3 मंत्री जो है इसमें मना कर रहे हैं कैबिनेट में फाइल के माध्यम से पता चला, या आपको? नहीं, सीएम साहब ने नहीं बोला, हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि 3 मंत्री जो इसमें कैबिनेट में फाइल की थी उसको जो है आगे उसको अपोज कर रहे हैं। सीएम साहब ने कहा है कि मैं आपकी फाइल को कर रहा हूं, और अगली कैबिनेट में आपकी फिर से, हम फाइल को जो हमने होल्ड किया है अगली कैबिनेट में हम उसको फिर से लाएंगे और जो है आपकी फाइल को आगे बढ़ाएंगे, ये सीएम साहब ने कल कहा है हमसे। आज आपका, आप कह रहे हैं कि लास्ट बारी आप आए सर, कितने बाद क्या फिर इंतजार करेंगे या परिवार के साथ भी? परिवार के साथ इसके बाद सर सीधा परिवार के साथ आएंगे। अब जितने भी परिवार है, हम सिर्फ JYT 817 के अभ्यर्थी नहीं है, 939 है, 903 है, 965 है, 1003 है, इतने सारे पोस्ट कोड है, सब पोस्ट कोड के जो अभ्यर्थी जो उससे बाद मिल के जो है परिवार के साथ यहाँ पे धरना पे बैठेंगे, और कोई चारा नहीं है हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ। मानसिक रूप से भी प्रताड़ित समझ रहे? बहुत प्रताड़ित है सर, क्या बोल सकते हैं अब। कल कुछ बच्चे रो रहे थे शाम को, क्या कर सकते हैं, घर से बोल रहे हैं कि कब तुम्हारी नौकरी लगेगी, पहले सरकार ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको नौकरी देंगे, आज सरकार को 1 साल हो चुका है, 1.5 साल होने लग रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक उसमें कुछ काम हुआ है या हमारी समस्या को सुना गया। नहीं सुना गया, बिल्कुल भी नहीं सुना गया। तो सब प्रताड़ित है,
मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है बच्चे, कोई सेकेंडरी ऑप्शन भी नहीं है। क्या करेंगे सर, क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है।